असलम अवरी वन दिस अब्दुलवाब शाह फॉम बॉक्स पावर यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की वीडियो हम टेक्नो स्पार्क सिक्स का गेमिंग टेस्ट एंड रिव्यू करने वाले हैं तो रिसेंटली मैंने पोस्ट भी डाली थी कम्युनिटी में पूछा था आप लोगों से एक ही वीडियो में तमाम गेम्स को टेस्ट कर दिया जाए या अलहदा अलहदा वीडियो बनाई जाए तो ज़्यादा वोट जो है एक वीडियो के लिए आए हैं कि एक ही वीडियो में तमाम गेम्स को टेस्ट किया जाए बेसिकली पूछने का मकसद ये था कि मैंने आज की वीडियो में टेक्नो स्पार्क सिक्स पर कम से कम पाँच गेम्स जो हैं वो टेस्ट आउट करनी है जिनमें पबजी मोबाइल पबजी लाइट गरीना फ्री फायर एसफल्ट नाइन और कॉल ऑफ ड्यूटी होगी तो इन तमाम गेम्स को टेस्ट करेंगे देखेंगे टेक्नोस पार्क सिक्स की कैसी परफॉर्मेंस रहती है यहाँ पर साथ में मैंने स्टॉप वॉच भी रखी हुई है तो इसको भी चला लेंगे साथ ही बल्कि अभी इसको चला लेते हैं ताकि साथ ही साथ बैटरी ड्रेन टेस्ट भी हो जाए अभी जो बैटरी हमारे पास फिफ्टी है मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ फिफ्टी है बैटरी तो स्टॉप वॉच हमें यह बताएगी कितनी देर हमने गेमिंग की है और इतनी देर में कितनी बैटरी हमारी ड्रेन हुई है तो गेमिंग टेस्ट के साथ साथ आप इसको बैटरी टेस्ट भी कंसीडर कर सकते हैं तो 12000 हज़ार सब्सक्राइबर दोस्तों हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं तो कम से कम बंदा मुबारकबाद ही दे देता है किसी ने मुबारकबाद ही नहीं दी सिर्फ एक बंदे का मैसेज आया था कॉन्ग्रेजुलेसन का तो कम से कम यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो ओके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को लाजम से प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो यहाँ पर दोस्तों सारी गेम्स जो है लाइन में लगी हुई हैं सबको बारी बारी चेक करेंगे तो सबसे पहले हम चला लेते हैं पबजी मोबाइल को ओके बैटरी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा दिखा देता हूँ फिफ्टी है ओके फिफ्टी से हमने स्टार्ट किया स्टॉप वॉच मैंने चला दी है पबजी मोबाइल चल रही है तो पहले गेम हम चेक करने वाले हैं टेस्ट करने वाले हैं पबजी मोबाइल को ओके तो दोस्तों पबजी मोबाइल मैंने चला लिया यहाँ से सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में और यहाँ से ग्राफिक्स की सिचुएशन देख लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों स्मूथ बैलेंस्ड एच में आप खेल पाओगे एच और अल्ट्रा एच अवेलेबल नहीं है स्मूथ और बैलेंस्ड में आपको लो मीडियम हाई और अल्ट्रा फ्रेम रेट के ऑप्शन मिलेंगे और एच में आप लो मीडियम और हाई सेटिंग के साथ खेल सकते हो तो फुल हाई सेटिंग रखते हैं सबसे पहले एच और हाई और चूंकि क्लासिक मैच मैंने खेलना है तो मैं दरमियान में चेक करता रहूँगा ये बैलेंस पे अल्ट्रा करके और स्मूथ पे अल्ट्रा करके भी मैं चेक करूँगा और देखेंगे यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस रहती है यहाँ पर दोस्तों टेक्नो स्पार्क सिक्स में आपको मीडिया टैक् खेली हो जी सेवेंटी का पावरफुल गेमिंग चिपसेट मिल जाता है तो देखते हैं जनाब टेक्नो स्पार्क सिक्स गेम्स को कैसे हैंडल कर पाता है क्या परफॉर्मेंस देता है तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ से मैच ओके okay, तो दोस्तों तकरीबन तो थर्टी सेकंड में मैच जो है स्टार्ट होगा तो यहाँ से जैरोस्कोप को जल्दी से चेक कर लेते हैं जैरोस्कोप यहाँ पर वर्क करती है या नहीं तो यहाँ पर दोस्तों करंट डिवाइस डज नॉट सपोर्ट दिस फंक्शन तो टेक्नोसपार्क सिक्स में आपको जैरोस्कोप का ऑप्शन नहीं मिलेगा सो दिस इज सैड तो यहाँ पर जैरोस्कोप यार इनको देना चाहिए था चलो तो जनाब पाँच सेकेंड में मैच स्टार्ट हो रहा है वॉल्यूम को कर लेते हैं फुल ओके okay, तो दोस्तों यहाँ पर PUBG मोबाइल का पूरा गेम प्ले मैंने किया है तकरीबन 25 मिनट या 30 मिनट का गेम प्ले था पूरा यानी कि खेला मैंने तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही यहाँ पर और काफ़ी स्मूथ ग्राफिक्स की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त थी लेकिन एक थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर रहा काफ़ी टाइम जो है ना पिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई लो हाई लो हाई लो होती रही है तो पिंग हाई होती थी तो बहुत ज़्यादा ना लैग सा जैसे आपको पता है पिंग हाई होने पर क्या होता है मतलब अब अग बंदा आगे जा रहा होता है थोड़ी देर बाद फिर वहीं पर वापस आ जाता है तो इस तरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है अदरवाइज़ लैग जो गेम के दौरान खेलते हुए जो लैग होता है वो मुझे इतना इसमें महसूस नहीं हुआ बहुत ज़बरदस्त किस्म के ग्राफिक्स की क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त रही और जो प्रोसेसिंग थी वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है ग्राफिक्स की तो क्वालिटी वाइज़ गेम पबजी मोबाइल अगर आप खेलना चाह रहे हो तो अंडर ट्वेंटी थाउजेंड टेक्नो स्पार्क सिक्स जो है ये काफ़ी ज़बरदस्त डिवाइस हो सकती है आप लोगों के लिए अच्छा हीटिंग इशू की यहाँ पर बात करें तो हल्का फुल्का हीट होना स्टार्ट हो गया बैक साइड से जो है ये हीट होना स्टार्ट हो गया फ्रंट साइड से कोई इतना इशू नहीं है लेकिन बैक साइड से हल्का सा हीटअप होना स्टार्ट कर दिया इसने ओके दोस्तों यहाँ से करते हैं इसको क्लोज पबजी मोबाइल को और यहाँ पर बैटरी अभी रह गई है हमारे पास 41 परसेंट तो 53 परसेंट से हमने स्टार्ट की थी यहाँ पर बैटरी का है ओके 53 से हमने स्टार्ट की थी अभी रह गई है फोटी परसेंट नेक्स्ट हमने टेस्ट करनी है जी पबजी मोबाइल लाइट पबजी लाइट को हमने चेक करना है तो पबजी लाइट में यहाँ से चला रहा हूँ ओके तो दोस्तों पबजी लाइट मैंने यहाँ पर चला लिया है तो अक्सर लोग ना पूछ रहे होते हैं कि जायरोस्कोप पबजी मोबाइल में वर्क नहीं करता ना तो अक्सर लोग बाद में पूछ रहे होते हैं कमेंट में कि पबजी लाइट में जायरोस्कोप वर्क करता है या नहीं करता तो दोस्तों जेरोस्कोप इसमें है ही नहीं अगर जेरोस्कोप होता तो वो पबजी मोबाइल में भी वर्क करता और पबजी लाइट में भी करता दोनों में करता तो इसमें जेरोस्कोप है ही नहीं तो ना पबजी मोबाइल में वर्क करेगा और ना ही पबजी लाइट में वर्क करेगा तो ये आप लोग जहन में रखिएगा बात इसके अलावा दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है कि नहीं यहाँ पर देखें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल है साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं ओके सेटिंग में चलते हैं और ग्राफिक्स को देख लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों स्मूथ बैलेंस्ड और एच में आप जो है खेल पाओगे एच डी आर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और जो फ्रेम रेट्स हैं यहाँ पर लो मीडियम हाई अल्ट्रा और एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स तक का ऑप्शन आपको मिलता है तो यहाँ पर मैंने एच डी ग्राफिक्स और एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स को चूज़ कर लिया ओके कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर मैं पबजी लाइट पर एक टी डी एम का मैच लगा लेता हूँ और देख लेते हैं यहाँ पर टेक्नो स्पार्क सिक्स कैसी परफॉर्मेंस देता है पबजी लाइट पर ओके तो दोस्तों PUBG लाइट पर भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है टेक्नोस पार्क सिक्स पर और फुल जो एच डी ग्राफिक्स और एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स के साथ मैंने पूरी गेम खेली है तो बिल्कुल भी लैग और फ्रेम ड्रॉप मुझे यहाँ पर फील नहीं हुआ हीटिंग की बात करें तो जितनी हीटिंग PUBG मोबाइल में स्टार्ट हुई थी उतनी ही है अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीटिंग नहीं हुई है कि आप कहें कि आपको फ़ोन जो है होल्ड करने में कोई मुश्किल पेश आए तो ऐसी हीटिंग नहीं हुई लेकिन हीटअप हो रहा है ऐसा 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 आहिस्त जो है बढ़नी स्टार्ट हो रही है एटी ओके दोस्तों पबजी लाइट का था गेम प्ले तो टी का मैच हमने यहाँ पर खेला तो अभी जो हमारे पास बैटरी रह गई है जनाब 41 से हमने स्टार्ट की थी अभी रह गई है थर्टी परसेंट नेक्स्ट दोस्तों हमने गेम चेक करनी है फ्री फायर तो यहाँ से हम बाकी रैम जो है इसको क्लियर कर लेते हैं फ्री फायर को यहाँ से चला लेते हैं जनाब और फ्री फायर पर भी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं टेक्नोसपार्ट सिक्स की जी तो दोस्तों फ्री फायर मैंने यहाँ से चला लिया तो सेटिंग में चलते हैं और यहाँ से देख लेते हैं सेटिंग में ग्राफिक्स की क्या सिचुएशन है यहाँ पर तो स्मूथ स्टैंडर्ड और अल्ट्रा आप खेल पाओगे ब्राइटनेस को आप क्लासिक और वेरी ब्राइट में चूज़ कर सकते हो हाई एफपीएस का ऑप्शन है शेडो को ऑन ऑफ कर सकते हो और हाई रेजोल्यूशन को आप सेट कर सकते हो तो यहाँ से मैं हाई रेजोल्यूशन को हाई कर रहा हूँ और हाई एफ को भी हाई कर रहा हूँ तो स्टार्ट करते हैं गेम प्ले ग्ररीना फ्री फायर का टेक्नो स्पार्क सिक्स पर ओके okay, तो दोस्तों यहाँ पर ग्रीना फ्री फायर का भी पूरा गेम मैंने यहाँ पर खेला है टेक्नो स्पार्क सिक्स पर तो करीना फ्री फायर पर भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल कर आई है किसी किस्म का लैग और फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पर नहीं थे बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी ग्रीना फ्री फायर पर भी ओके यहाँ पर हमारे पास बैटरी अब रह गई है थर्टी थ्री परसेंट नेक्स्ट हम जो है कॉल ऑफ ड्यूटी को चेक करने वाले हैं कॉल ऑफ ड्यूटी चला कर देखेंगे अभी एक घंटा तीन मिनट और पैंतीस सेकेंड हो गए हैं फ़ोन को हम लगातार यूज़ कर रहे हैं हीटिंग इशू की बात करें तो बिल्कुल जो है नॉर्मल है जैसे मैंने बताया था कि PUBG मोबाइल में हल्का हल्का हीट होना शुरू हुआ था सेम उसी कंडीशन में उससे ज़्यादा हीट नहीं हो रहा जैसे होता है ना कि बंदा लगातार खेलता रहे तो फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है तो वैसा यहाँ पर स्नैरियो नहीं है हीट है हल्की सी है मतलब आपको इतना बुरा नहीं लगता यहाँ से अगर पकड़ के रखते हो फ़ोन को खेलते रहते हो आप तो इतना जो है आपको महसूस नहीं होती हीट आपको तंग नहीं होते आप खेलते हुए इतनी है मतलब तो ये अच्छी चीज़ है अगर ज़्यादा देर तक आपको गेमिंग करनी है और फ़ोन आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए या हीटअप हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है खेला नहीं जाता तो इसमें इस तरह का इशू नहीं है आप लंबे टाइम तक जो है इस पर खेल सकते हो ओके okay, दोस्तों ये कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने चला लिया सेटिंग में चलते हैं और यहाँ से ना ग्राफिक्स को देख लेते हैं इसके ऑडियो एंड ग्राफिक्स में तो यहाँ पर लो और मीडियम ग्राफिक्स का ऑप्शन है और लो में आप लो मीडियम और हाई को चूज़ कर सकते हो और मीडियम में भी लो मीडियम और हाई को चूज़ कर सकते हो तो मैं यहाँ से मीडियम और हाई ग्राफिक्स को जो है यहाँ पर हाई फ्रेम रेट्स को चूज़ कर रहा हूँ ओके कर लेते हैं और यहाँ से एक मल्टीप्लेयर जो है गेम लगा लेते हैं और देखते हैं जनाब कॉल ऑफ़ ड्यूटी की कैसी परफॉर्मेंस रहती है टेक्नो स्पार्क सिक्स पर Oh shit. ओके okay, तो दोस्तों ये था कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम प्ले और कॉल ऑफ़ ड्यूटी भी काफ़ी मुश्किल गेम है दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद एक तो मैंने खेली है इसलिए शायद मुश्किल लग रही है तो ये था कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम प्ले काफ़ी अच्छा स्मूथ गेम प्ले था यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम कोई मसला मसाइल यहाँ पर मुझे महसूस नहीं हुआ तो बैटरी हमारी थर्टी वन परसेंट ही है अभी नेक्स्ट जो है लास्ट हमारे पास जो गेम है वो है फ्री फायर सॉरी फ्री फायर बोल रहा हूँ एसफल्ट नाइन थर्टी वन परसेंट बैटरी है और लास्ट गेम हम चेक करने वाले हैं एसफल्ट नाइन को और देखते हैं एसफल्ट नाइन पर कैसी परफॉर्मेंस रहती है जनाब टेक्नो स्पार्क सिक्स की ओके okay, तो दोस्तों एसफल्ट नाइन लेजेंड्स हमने चला ली है तो यहाँ पे सेटिंग में आ जाते हैं गेम सेटिंग में और साउंड एंड डिस्प्ले में तो यहाँ पर विजुअल क्वालिटी में आप हाई क्वालिटी को चूज़ कर सकते हो और डिफ़ॉल्ट को चूज़ कर सकते हो तो यहाँ पर हाई क्वालिटी को चूज़ कर, तो कर लेते हैं जनाब और वापस चलते हैं होम पे प्ले करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा गेम प्ले देखते हैं जनाब एसफुल्ड नाइन का लो जी ये छोटा सा गेम प्ले था एसफिल्ट नाइन का तो यहाँ पर भी आपने देखी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त थी लैग वगैरह बिल्कुल नहीं था तो दोस्तों टेक्नो स्पार्क सिक्स का गेम प्ले है हीटिंग का कोई इशू नहीं यहाँ पर लगा मुझे मतलब नॉर्मल से हीटिंग तो यार होती है तकरीबन हमने यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ रोक देता हूँ एक घंटा और पंद्रह मिनट लगातार जो है गेम्स खेली हैं पबजी मोबाइल पबजी लाइट फ्री फायर कॉल ऑफ ड्यूटी एसफिल्ट नाइन तमाम गेम को खेल कर हमने चेक किया यहाँ पर तो हीटिंग हल्का फुल्का सा जो है हीटअप हो रहा है फ़ोन इतनी ज़्यादा हीटिंग नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो और गेमिंग की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त मुझे दोस्तों यहाँ पर लगी काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा गेम प्ले आप यहाँ पर कर सकते हो तमाम गेम्स का और बैटरी की यहाँ पर सिचुएशन देख लें आप 30 परसेंट बैटरी हमारे पास रह चुकी है ये देखें 30 फीसद बैटरी रह चुकी है 53 परसेंट बैटरी थी जब हमने स्टार्ट किया था खेलना गेम्स को और एक घंटा और पंद्रह मिनट जो है हमने लगातार गेम्स खेली हैं तो तीस परसेंट जो है बैटरी रही रह गई है तो तकरीबन ट्वेंटी थ्री परसेंट बैटरी ड्रेन हुई है यहाँ पर तो ये भी आपको आइडिया हो गया होगा कि आप अगर गेम्स खेलते हो घंटा दो घंटा तो कितनी बैटरी यहाँ पर ड्रेन होगी और परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ दोस्तों तो थी आज की वीडियो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर अल्लाह वॉचिंगल्ला